हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द थर्ड चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का जो थर्ड चैप्टर है उसको देखेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है इंसुलेटिंग मटेरियल्स, मीन्स विद्युतरोधी पदार्थ। इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते क्या हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, धारा का प्रचालन नहीं होता है, धारा चालन नहीं होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स के नाम से जाने जाते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ये देख लीजिए डेफिनेशन दिया हुआ है, शॉर्ट्स में देखना है क्योंकि बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही, मतलब आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एंड उसको सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चंस रहेंगे सारे सब्जेक्ट टेक्निकल से रिलेटेड। तो देख लेते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, वह मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स। उससे विद्युत अचालक पदार्थ कहते हैं, सच एज पेपर, प्लास्टिक, रबर, माइका, वुड, इटीसी। जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, माइका हो गया, दीज ऑल आर कम्स इन टू इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स में आते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स को थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। स्टेट के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, एंड बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हेट्रो ऑर्गेनिक, एंड बेसिक ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच, क्लास सी। इतने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट के अकॉर्डिंग सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल। सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल्स में आ जाते हैं ग्लास, पोर्सलिन, माइका, पेपर, रबर, ये सारे, वुड, प्लास्टिक, वुल, ये सारे, कॉटन वॉटन जितने भी हैं सॉलिड में आ जाते हैं। एंड लिक्विड में आ जाएगा ब्रोमीन, ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल में नेफ्ता ऑयल यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। अब आपसे कोई पूछ लिया ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज़ होता है, नेफ्ता ऑयल, तो वो अलग बात है। देख लेते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल, ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स है। सर्किट ब्रेकर ऑयल, स्विच गियर ऑयल, डिस्टिल वाटर, इन सब का यूज़ होता है गाड़ी वाड़ी में, डिस्टिल वाटर, ये सब इंसुलेटिंग में आते हैं। गैस इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, अदर हैलोजन्स, ज़िनॉन, ईटीसी, ये सारे गैस में आ जाते हैं। तो अब ये देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट के आधार पे देख लीजिए, तीन टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में आ गया ठोस में आ गया, जैसे पोर्सलिन, ग्लास, पेपर, वुड, ये सब सॉलिड में आ गया। एंड लिक्विड में आ गया ये डिस्टिल वाटर एंड ट्रांसफार्मर ऑयल, सर्किट ब्रेकर ऑयल, स्विच गियर ऑयल, ये सारे आ गए। एंड इसमें आ गया इंसुलेटिंग मटेरियल्स में, गैस में आ गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ज़िनॉन, ये सारे। अब देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के आधार पे तीन टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड हेट्रो ऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ऑर्गेनिक में आ गया पेपर, प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीस्ट्रीन, ईटीसी, ये सब आ गए, पॉलीस्टायरीन। और इनऑर्गेनिक में आ गए ग्लास, पोर्सलेन, सिरामिक, चाइना क्ले, एस्बेस्टास, ये सब। और हेट्रो ऑर्गेनिक में आ गया जैसे कार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कम्बिनेशन ये होता है, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों का कम्बिनेशन होता है, जैसे सिलिकन प्लस फॉस्फर, तो ये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्लास वाई वाला वो होता है, वो मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस विदाउट इम्प्रेगनेटेड होते हैं, सिल्क हो गया, पेपर हो गया, कॉटन हो गया। और क्लास ए में ये इम्प्रेगनेटेड होते हैं, जैसे कोटेड ऑयल हो गया, कॉटन ऑयल हो गया, ये सब। इनका जो टेम्परेचर होता है 105 डिग्री सेल्सियस। क्लास ई का 120 डिग्री सेल्सियस होता है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक रेजिंस, ये सब आ गए, ये उतना इम्पोर्ट। क्लास बी में जैसे जिस उसका टेम्परेचर होता है, क्लास बी वाले मटेरियल्स का जो टेम्परेचर होता है 130 डिग्री सेल्सियस, जैसे माइका हो गया, ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, एस्बेस्टास हो गया, कोटिंग, सिंथेटिक रेजिंस हो गया, इट्स यूज इन रोटरी मशीन्स, ये उस मशीन में यूज़ होते हैं जो रोटेट कर सकते हैं, क्लास बी वाले। और क्लास एफ वाले होते हैं वो, उसमें मतलब इनका जो टेम्परेचर होता है 155 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल बिल्ट अप माइका, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टास, एल्कोइड विथ एपॉक्सी, ये सब हो गए, एपॉक्सी रेजिन, क्रॉस लिंक, पॉलिस्टर, इट्स यूज इन ये सभी रोटरी मशीन में, इसका रोटेटरी मशीन जो रोटेट कर सकते हैं, रोटरी भी वही है, रोटेट कर सकना। क्लास एच जो हो गया,
ये इसका जो टेम्परेचर होता है 180 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे सिलिकन, इलास्टोमर, माइका, ग्लास फाइबर, ये सब होते हैं। इन सब का यूज़ करते हैं टेक्सटॉन रोटेटरी मशीन्स में। मशीन्स में इन सब का यूज़ होता है। रोटेटरी मशीन, वो मशीन जो मूव कर सकें, जो घूमते हैं, रोटेट करते हैं। क्लास सी, टेम्परेचर इसका होता है 180 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल माइका हो गया, पोर्सलिन हो गया, ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सारे इनका यूज़ होता है ब्रशिंग में, हाउसिंग इंसुलेटर्स, रोटेटरी मशीन्स में, ब्रश टर्मिनल्स बनाने में इसका यूज़ होता है। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? वॉल्यूम, इंसुलेशन, रेजिस्टिविटी, उसको आरवी से डिनोट करते हैं। आर वी इज इक्वल टू वी अपॉन वन अपॉन वी अपॉन आई वी हो जाता है। ये लर्न करने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। आर वी इज इक्वल टू वी अपॉन आई वी होता है, क्योंकि आपको प्रूफ करने का तो आएगा नहीं, तो इसको ऐसे याद कर लेना है। रो वी इज इक्वल टू रो ए बाई एल हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे ना रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, तो रो का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए बाई एल। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाता है, तो उसके हिसाब से रख देंगे आर वी। वॉल्यूम, इंसुलेशन, रेजिस्टिविटी अगर निकालना है तो इसको रख देंगे। सरफेस का निकालना है तो आर एस रख देंगे उसकी जगह पे। हो गया सरफेस का। अब डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होते हैं? इंसुलेटर अब्सॉर्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इट रिड्यूस दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। कोई भी मटेरियल्स हैं, जैसे इंसुलेटर है, इंसुलेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऑब्जर्व करता है अपने अंदर। ऑब्जर्व करने के बाद उस एनर्जी को हीट के फॉर्म में बाहर इमिट करता है, मींस निकालता है, उत्सर्जित करता है। तो इस उत्सर्जन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो उसी को लॉसेस कहते हैं। दिस लॉसेस नोन एज डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, इसी को डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के नाम से जानते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मिनिमम वोल्टेज विच व्हेन अप्लाइड टू एन इंसुलेटिंग मटेरियल्स विल रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ वह मिनिमम वोल्टेज होता है जो अप्लाई किया जाता है किस पे? इंसुलेटिंग मटेरियल्स पे, जब अपना रिजल्ट मतलब अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्ट करके जो रिजल्ट देती हैं तो वही कहलाता है डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्जेस बाई एन इंसुलेटिंग मटेरियल्स, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा वो मतलब वो कैपेसिटी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कहलाता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस ये रेशियो है किसकी? कैपेसिटी का, मतलब वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा। टू दैट इन एयर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? हीट रेजिस्टेंस, दिस इज जनरल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। हीट रेजिस्टेंस जो होता है ये किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का ही जनरल प्रॉपर्टी है। टू विदस्टैंड टेम्परेचर वेरिएशन विद इन डिजायरेबल लिमिट्स विदाउट डैमेजिंग इट्स अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब हीट रेजिस्टेंस अब पूछ लिया, इट्स अ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स टू विदस्टैंड टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ विदस्टैंड करने के लिए मीन्स टेम्परेचर को वेरी कराने के लिए इसको एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। एंड विद इन डिजायरेबल लिमिट्स, उसका डिजायरेबल लिमिट्स होता है, विदाउट डैमेजिंग मतलब हीट रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो विदस्टैंड कर सकता है टेम्परेचर वेरिएशन के, टेम्परेचर जब वेरी हो तो उसके साथ वो निकालता है, हीट निकालता है। इट्स अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इसकी अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, हीट जनरेटेड ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉसेज, कोई भी हीट जनरेट हो रहा है क्यों? लॉसेज के कारण ही हीट जनरेट होता है, तभी तो वो हीट इमिट होता है लॉस के फॉर्म में। डायलेक्ट्रिक लॉस विल बी डिसिपेट थ्रू द इंसुलेटर इट्सेल्फ, ये हो गया। केमिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ गैसेस वाटर एसिड एल्कलीज एंड सॉल्ट अफेक्ट डिफरेंट इंसुलेटर्स डिफरेंटली केमिकल, अ मटेरियल इज अ बेटर इंसुलेटर इफ इट्स रेजिस्ट केमिकल एक्शन। जैसे कोई भी इंसुलेटर है तो उसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंस होते हैं, गैसेस, वाटर, एसिड, इन सारे प्रेजेंट होते हैं और सारे अलग अलग तरीके से उस इंसुलेटर को इफेक्ट करते हैं, तो वही कहलाता है केमिकल रेजिस्टेंस। और वेदरेबिलिटी क्या होता है? इंसुलेटर कम इन टू कॉन्टैक्ट विद एटमोसफेयर, जब कोई इंसुलेटर एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है? बोथ और दोनों, जब कोई इंसुलेटर है एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में आया तो वो उससे कोई ना कोई प्रोसेस ऑपरेशन करने लगेगा, क्रिया करेगा, जिसे भी इंसुलेटर ख़राब हो सकता है। हाइग्रोस कैपेसिटी क्या होता है?
The property of insulating material by virtue of which it absorb moisture. Hygroscopicity होती है, hygroscopicity जो क्या करता है, इंसुलेटिंग मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो मॉइस्चर को अब्जॉर्व करता है अपने अंदर. द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोप. अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको हाइग्रोस्कोप नहीं रहना चाहिए. अगर वो हाइग्रोस्कोप रहता है, अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी मॉइस्चर को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है. जैसे ठंडी के दिनों में देखेंगे, अगर कोई मॉइस्चर, कोई वायर है, मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लिए तो बहुत ही टाइट हो जाता है. टाइट होने के पश्चात वो टूटने लगता है. कभी कभी आप कोई प्लास्टिक का लकड़ी देखेंगे, प्लास्टिक का जो पोल्स होते हैं, रॉड होते हैं, ये सारे क्या करने लगते हैं, टाइट होकर टूटने लगते हैं. तो यही हाइग्रोस्कोपिसिटी होती है, हाइग्रोस्कैपेसिटी जो क्या करता है कि मतलब मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है. और कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल तो मॉइस्चर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए. और ऐसा भी नहीं रहना चाहिए कि वेदर के साथ ऑपरेशन करने लगे, ये भी नहीं रहना चाहिए. और मतलब अलग अलग, जैसे केमिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, केमिकल रेजिस्टेंस वो होता है जो जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स को अफेक्ट करते हैं, बाय गैसेस, वाटर, एसिड, एल्कली. अब ऐसा तो नहीं है कि कोई वायर है, उस पर वायर पे कोटिंग की गई है इंसुलेटिंग मटेरियल्स की, अब उसको एसिड में डालो तो उससे अफेक्ट नहीं होगा, वायर गल जाएगा. वायर नहीं गलेगा, मीन्स उसका कोटिंग गलेगा तो फिर वायर भी गल जाएगा. तो ऐसे अफेक्ट करते हैं, केमिकल के द्वारा भी अफेक्ट हो सकते हैं. और थर्मल हीट के द्वारा भी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, वायर जो होते हैं मतलब ढीले पड़ जाते हैं. या फिर देखेंगे ना, जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखे होंगे, लाइक अगर हमारे पास बचपन में रबड़ रहता था तो ठंडी गर्मी के दिनों में वो रबड़ ना पिघलने, मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप का लगने लगता था. तो चिपचिपा क्यों लगता था, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. वो रबर इज़ ऑल्सो इंसुलेटिंग मटेरियल्स, रबर भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है. जब उससे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता था, मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती थी या टेम्परेचर बढ़ता था, तो वो जो रबर है वो पिघलने लगता था. तो और ठंडी के दिनों में वो रबर एकदम टाइट, जैसे हम लोग बाल में बांधते रबर, तो वो रबर भी टाइट हो जाता है ठंडी के दिनों में, और वो तुरंत टूट जाता है. तो बिकॉज ऑफ दिस, इसी थर्मल कंडक्टिविटी के कारण होता है. और ये हो गया फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. अब फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स की. द इंसुलेटिंग मटेरियल्स शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ. अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल्स है तो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो हाई रहनी चाहिए. कि अगर इंसुलेटिंग मटेरियल को हम चाहे कितना भी खींचें 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 तो वो टूटे ना. मैकेनिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ड्यूरिंग ऑपरेशन. अगर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई इंसुलेटिंग मटेरियल्स उससे हम बहुत बड़ा पाइप बना रहे हैं, अब उसको हम खींच रहे हैं तो उसकी इलास्टिसिटी इतनी कम है कि वो टूट जाएगा. तो टूटे ना, मीन्स उसकी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए. मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो हाई होनी चाहिए. मशीनेबिलिटी या मोल्डेबिलिटी, मतलब मोल्ड करने, उसको पिघलाने का भी जो है वो भी अच्छा होना चाहिए. दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स हेल्प अस टू गिव द डिज़ायर्ड शेप. अगर उसकी ये मोल्डेबिलिटी वाली प्रोसेस प्रॉपर्टी अच्छी नहीं रहेगी तो हम लोग उसको पिघला के किसी भी अपने डिज़ायर्ड शेप के खिलौने या फिर गाड़ी या फिर कुछ भी नहीं बना सकते हैं. तो ये भी रहना चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल्स का. डेंसिटी, इंसुलेटिंग मटेरियल्स शुड हैव लो डेंसिटी. इंसुलेटिंग मटेरियल्स की जो डेंसिटी होनी चाहिए ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लो होनी चाहिए. तभी तो हम उसको अपने हिसाब से उसका वेट कम कर सकते हैं, उसका साइज एंड शेप चेंज कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटलनेस, इंसुलेटिंग मटेरियल्स शुड नॉट बी ब्रिटल. इंसुलेटिंग मटेरियल्स को ब्रिटल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत ही जल्दी टूट सकते हैं ड्यू टू स्ट्रेस. स्ट्रेस के कारण बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं. जैसे बेकेलाइट हो गया, इट्स ऑल्सो इंसुलेटिंग मटेरियल्स. अगर वो एक बार टूट गया तो फिर हम उसे पुनः उस फॉर्म में नहीं बना सकते हैं. बेकेलाइट्स को आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा EMM में. सिलेक्शन ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग कंडीशन के हिसाब से. ईजी टू सेफ हो, शेप मतलब उसका आकार देने में वो ईजी हो, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाए, कॉस्ट ज़्यादा महंगा भी ना हो. जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन. प्लास्टिक जो होते हैं मेनली हाइड्रोकार्बन होते हैं. दे कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है. एंड एज देयर इसेंशियल कंपोनेंट, उसके जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो मेनली होते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो प्लास्टिक एक हाइड्रोकार्बन है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच लॉस देयर प्रॉपर्टीज व्हेन कूल्ड आफ्टर मेल्टिंग कैन नॉट बी रिसिप्ड आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक होता है
कि मतलब एक बार हम उसे एक शेप में दे दिए तो पुनः अपने डिजायर्ड शेप में उसे नहीं ले सकते हैं, बिकॉज़ वो एक बार अगर इसको कोई भी पिघला उघला के उसको कोई शेप दे दिए, फिर उसके बाद अगर हम उसे पिघलाते हैं तो पिघलता नहीं है बल्कि वो ख़राब हो जाता है। मेड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है थर्मोसेटिंग। क्रॉस लिंक चेन, इसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रॉस लिंक चेन द्वारा अटैच्ड होते हैं, तो क्रॉस लिंक चेन द्वारा अटैच्ड होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं, रिजिड रिजिड होते हैं, जैसे बेकेलाइट हो गया, इसको हम लोग पुनः नहीं बना सकते हैं। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, हाई ग्रोस कैपेसिटी बहुत ही लो होती है, हाई ग्रोस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, एंड गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है बहुत ही अच्छा होता है। एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल मोल्डिंग में, रिफ्लेक्टर्स में, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट्स में, एडेसिव्स एंड वार्निसेस में इसका यूज़ करते हैं, वायर एंड केबल इंसुलेटर में। थर्मोप्लास्टिक वो होता है, थर्मोसेटिंग तो वो हो गया जिसको पुनः से रीसेप नहीं किया, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया बेकेलाइट। बट थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक विच रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इवन वेन कूल्ड आफ्टर मेल्टिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं अगर हम लोग एक बार इसे बना दिए, अगर हम इसे पुनः से मेल्ट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं और पुनः से रीसेप हो जाते हैं, मीन्स पुनः से हम इसको अपने डिज़ायर्ड शेप में, अपना डिज़ायर्ड शेप, जैसे अगर कुछ बनाना है तो कोई खिलौना बनाना है, मान लीजिए कोई प्लास्टिक है आपके पास, कोई प्लास्टिक का डिब्बा था और वो प्लास्टिक का डिब्बा सोचते हैं उस प्लास्टिक के डिब्बे को हटा के हम उसका एक ग्लास बनाए प्लास्टिक का, तो हम लोग अगर वो थर्मोप्लास्टिक रहा तो वो तो तुरंत रीसेप हो जाएगा, अगर उसे गलाएंगे तो गल जाएगा और हम उसे डिज़ायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर वो वैसा नहीं रहा तो नहीं कर सकते। मेड बाय एडिशनल सिस्टम प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेड बाय एडिशनल सिस्टम ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन को एक अलग, पॉलीमराइजेशन के अलग प्रोसेस के द्वारा से बनाया जाता है, इसमें क्रॉस लिंक चेन नहीं होती है। अच्छा, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है उसमें क्रॉस लिंक चेन होती है, इसी के कारण ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं इनके जो चेन है वो टूट नहीं पाते, मॉलिक्यूल्स अलग नहीं हो पाते हैं, जिस कारण ये गल नहीं पाते हैं और हम इन्हें पुनः से रीशेप नहीं कर पाते हैं। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो नो क्रॉस लिंक्ड होता है, मीन्स इसमें क्रॉस लिंक चेन नहीं होता है, इसमें एकल या डबल चेन्स होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। लेस फ्लेक्सिबल बट मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर, ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं बट ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। लो मॉलिक्यूलर, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ही लो होता है, इसका मेनली यूज़ पुअर डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी जो हाइग्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, और इसका यूज़ होता है मोस्टली वायर बनाने में, केबल्स में, इन सब में इसका यूज़ होता है। सो ये हो गया थर्ड चैप्टर, एंड थर्ड चैप्टर का MCQ देख लेंगे दूसरे वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।